उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के विकासखंड बबेरू के अंतर्गत ग्राम पंचायत टोला कला के अस्थाई गौशाला में गोवंशों को सरकारी मानक के अनुसार सुविधाएं देने की जानकारी सामने आई है। बांदा जिले के विकासखंड बबेरू के अंतर्गत ग्राम पंचायत टोला कला के स्थानीय नागरिकों ने बताया कि ग्राम पंचायत की अस्थाई गौशाला में लगभग 200 गोवंश संरक्षित है। गोवंशों को सरकारी मानक के अनुसार हरा चारा, गेहूं का भूसा और कटी हुई पैराली व गुड़ नमक इत्यादि दिया जाता है। गोवंशों के पीने के लिए पानी की टंकी एवं समरसेबल व प्रकाश के लिए लाइट की उचित व्यवस्था करवाई गई है। गौशाला के चारों तरफ जालीदार तार लगवाई गई है जिससे बाहरी हिंसक जानवरों का प्रवेश ना हो सके। गौवंशों को ठंड व धूप से बचाव के लिए छाया की पर्याप्त मात्रा में टीन शेड की उच्चतम व्यवस्था करवाई गई है। बीमार गौवंशों के इलाज हेतु सरकारी पशु डॉक्टर समय समय पर आते रहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। मैं अनुज यादव, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत टोला कला विकास खंड बबेरू। मौके में आपने देखा कि वो दोनों चरही में भूसा पड़ा था, भूसा के साथ में हरियार भी मिला था और गुड़ नमक जो भी है, सारी व्यवस्थाएं जो शासन के दिशा निर्देश के अनुसार सारी व्यवस्थाएं मौके में है। भूसा, पराली, कटिया, ये सारी चीजें थी। अब पैरा मेरा खत्म हो गया है, शायद एक दो पराली के आसपास पड़ा है, बाकी स्टॉक मैंने और कर रखा है, स्टॉक हो रहा है। अभी 22 बीघे का हमने खरीदा हुआ है सिमोनी ग्राम पंचायत। आप ये बताइए, गांव के लिए सरकार की तरफ से पैसा प्रति गाय किस हिसाब से आता, कितना आता? सरकार के हिसाब से 30 रुपए प्रति जानवर, प्रति गोवंश के हिसाब से मिलता है, जिसमें से हम लोग किसी न किसी तरीके से मैनेज करते हैं। बस 30 रुपए में किसी न किसी तरह से बस मैनेज ही किया जा सकता है, क्योंकि आप तो, हम किसान के बच्चे हैं, हमें खूब अच्छे से पता है कि गोवंश को कैसे क्या मैनेज करना है, लेकिन मैनेज करके कोई अव्यवस्था ना हो, क्योंकि बेजुबान जानवर है, किसी प्रकार से इनको ये पैसा के अभाव से कोई कमी ना रह जाए, तो हम लोग मैनेज करते हैं। डॉक्टर इलाज के लिए यहाँ आते हैं? जब भी गोवंश बीमार होता है या कोई समस्या होती है, अभी लंपी के टाइम पे हमें जैसे सूचना मिली, सूचना क्या, पिताजी मेरे डेली सुबह शाम, मैं खुद सुबह शाम अचौक आ जाता हूँ, तो साफ सफाई, यहाँ एक आदमी सफाई कर्मी भी लगा है, वो पर डे सुबह आके वो सफाई करता है, और डेली या तो मैं प्रधान प्रतिनिधि होने के नाते या तो पिताजी सुबह शाम डेली आते। महाराष्ट्र TV24 के लिए रामरूप कुशवाहा की रिपोर्ट, बबेरू बांदा। बढ़ते पेट्रोल के दामों ने अगर बढ़ाई है आपकी चिंता, तो इलेक्ट्रॉनिक साइकिल आपके चेहरे पर लाएगी खुशी। ई साइकिल मॉडल के फंक्शंस जानकर दंग रह जाएंगे आप। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उठा सकते हैं इसका लाभ। चलाने में आसान और लुक वाइज क्लासी, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बेहतर विकल्प। ना ये अन्य मोटरसाइकिल की तरह धुआं छोड़ेगी और ना ही पेट्रोल पंप के चक्कर लगाएगी, तो देर किस बात की। आइए त्रुषा ईवी सॉल्यूशंस में, जहां आपकी मंजिल आसानी से पार होगी बिना किसी रुकावट के। हमारा पता, त्रुषा ईवी सॉल्यूशंस, गट्टी गोदाम स्क्वायर, कामठी रोड, सदर, नागपुर। हमें संपर्क करें 7709877121।